यस गाइस, तो अभी अपन सम स्टार्ट करेंगे ये वाले सेक्शन का। तो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको एक बात बता दूं मैं कि जो मेरे साथ लाइव है उनको मैंने सम सॉल्व करने के लिए टाइम दिया है और उन्होंने क्वेश्चन रीड भी किया है। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन रीड नहीं किया है जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो आप पहले पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आगे का लेक्चर देखना। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। तो जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं यही पॉज करके पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, बाद में आगे का लेक्चर देखने का है आपको। प्रिज्यूमिंग कि आपने ये देख लिया है, लेट्स मूव अहेड। अब अपन आगे क्वेश्चन रीड करके सॉल्व करेंगे। आ जाइए। X Limited is manufacturing company. It was incorporated on April 1, 2016. It opted for alternative tax regime under Section 115BA. मतलब इसने opt कर लिया है by uploading form number 10IB. उसने form 10IB upload करके option exercise कर लिया है. It is engaged in manufacture of cosmetic items for domestic market. It gives following information for the assessment year. Total income computed है वो, computer ने, computed after taking all incentives and exemption out of which 1 lakh is long term, capital gain 50,000 is lotteries winning. Incentive claim has deduction under 32 AC AD and CCE. Deduction claim. Determine amount of tax under section assessment year 21-22. अब मुझे बताओ ये बात कि ये वाला deduction हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपने section number याद किए होंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा फटाफट समझ जाएगा। नहीं मिलेगा तो not allowed. What about this 10 lakhs? मिलेगा। फिर डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 115JB, ये तो ठीक है। इसको ना चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ये आएगा बुक प्रॉफिट, क्योंकि जेबी है ना मैट के लिए है। ये जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा उसमें सब चेंज रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि जेबी सेक्शन अगर आपने ऑफिस में भी काम किया होगा तो वो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के लिए एप्लीकेबल होता है, बरोबर। अच्छा, अभी मतलब ये डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए, एडबैक होगा, ये एडबैक नहीं होगा। यहाँ पे आ जाइए, ये एडबैक हुआ नहीं हुआ। देखो इनकम हो गई 22,77,000, बरोबर। अब इनमें से 1 लाख पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, 30% विनिंग्स पे, जो बची हुई इनकम है, बची हुई इनकम कितनी 2277 में से 1 लाख गया और 50,000 गया। तो जो बची हुई इनकम है उस पे 25%, बरोबर। ये टोटल टैक्स है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स बुक प्रॉफिट उसका 15%। टैक्स पेएबल ए और बी विच एवर इज मोर, उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन से टैक्स लाइबिलिटी। हाँ या ना? ये समझ में आया आपने को? मैट का तो काम आपने ऑफिस में किया होगा कि जो एक्चुअल टैक्स आता है या मैट। अभी आप चाहते हैं ना तो आप ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पर ही आप हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दो,
इसमें भी हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दो, फिर जो अमाउंट आएगी दोनों में से हाईएस्ट ले लो। अपन जब मैट पढ़ेंगे ना अपन ऐसे ही करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, इनका हाईएस्ट लेंगे, बरोबर? ये समझा सबको? वेरी क्लियर। एक बार ये आंसर रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं अपन। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं प्लीज ये आंसर एक बार देख लीजिए, आपको समझा। एक बहुत इजी क्वेश्चन था, खाली सेक्शन नंबर बता रहेगा तो बता रहेगा कि इनकम में से क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना है। वेरी क्लियर गाइस? मैं आता हूं एक बार फाइल सेव करके, फिर नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे अपन।